द्वंद कहाँ तक पाला जाए, अरे युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशा, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो पीएससी, ऐसा ही सिक्का उछाला दे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं दिल्ली पीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जितने भी स्टूडेंट, सबको पता है कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सीजीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से और सीजीपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। और बात करते हैं जब राजा की क्रम की, तो मेंस के लिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं जो राजा को क्रम से जमाने के लिए पूछा जाता है। तो हम धीरे धीरे करके सभी डायनेस्टी के राजा को ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। तो आज बारी है नल वंश की। नल वंश ऐसा डायनेस्टी है जिन्होंने बस्तर क्षेत्र पर रूल किया। तो आज बहुत ही प्यारा एक वीडियो लेकर आया है, साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा एक ट्रिक है जिसमें हम लोग सारे नल वंश के राजा को बढ़िया तरीके से याद करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमको क्या याद करना है। तो सबसे पहले हमको V3 याद करना है। क्या तीन राजा ऐसे होंगे जिनके नाम का पहला जो अक्षर है वो वी से आएगा, सबको ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमको याद करना है V3, और ये आगे जाकर क्या बनने वाला है उसे भी हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं V3। वी से होता है वेन, ठीक है। अब वेन आता है बस, है ना। इसके बाद क्या आया, बस। सबसे पहले हमने याद किया V3 के बाद याद किया बस। बस से बी से एक राजा का नाम आएगा, ए से एक राजा का नाम आएगा, एस से एक राजा का नाम आएगा, बट अभी ध्यान मत दीजिए कौन सा राजा का नाम आता है। पहले आप ट्रिक को याद कीजिए, पहला आया V3 के बाद आया BAS, मतलब बस। बस के बाद अब यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान दे, जो वाला है वो एस से खत्म हो रहा है, तो जो भी राजा का नाम होगा वो इसके बाद भी जो नेक्स्ट राजा आएगा वो भी किसका एस से। पहले एस याद करना है, फिर एन याद करना है, फिर पी। अब सर इसको कैसे करना है, तो एस से बनता है सेंचुरी, है ना, आपको पता होगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, एस से बनता है सेंचुरी, एन से बनता है नेशनल, और पी से बनता है पार्क, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं कि एस से बनता है सेंचुरी। अब ऐसे राजा का जो एस से स्टार्ट होता है, ठीक, एस से बना सेंचुरी, एन से बना नेशनल, और पी से बना पार्क, तो ऐसे राजा का नाम आएगा जो एन से आता है, फिर ऐसे राजा का नाम आएगा जो पी से आता है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हमने V3 याद किया, V3 के बाद BAS मतलब बस याद किया, और S से एंड हो रहा था इसलिए सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो पहले सेंचुरी आएगा क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट आ रहा है वो क्या है S है, तो S से इसको कनेक्ट कर देंगे, क्या लिखाएगा यहाँ पे सेंचुरी, सेंचुरी के बाद नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फिर V3 पहले था, तो अब आएगा V2, कर चुके हैं तो क्या आएगा V2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद भी हम बाबा जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं, तो क्या ऑर्डर करते हैं, पहले करते हैं पनीर, ठीक है, क्या बोलते हैं पनीर, पनीर के बाद ऑर्डर करते हैं बटर, बटर के बाद ऑर्डर करते हैं नान, है ना, नान। तो यहाँ से पहले क्या आएगा, पनीर, फिर बटर, फिर नान, ठीक। मतलब ऐसे राजा का नाम आएगा जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है, फिर बी से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आएगा एन से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अब रिपीट करते हैं, राजा का नाम भी देखेंगे, पहले एक बार ट्रिक को फिर से देखते हैं। पहले क्या है V3 के बाद BAS मतलब बस, बस के बाद एस से एंड हो रहा है इसलिए सेंचुरी पहले आएगा, तो सेंचुरी, फिर उसके बाद नेशनल पार्क, फिर V3 का यूज कर चुके हैं तो अब आएगा V2 से दो राजा का नाम आएगा। उसके बाद ढाबा जाते हैं तो तीन वर्ड्स बोलते हैं जिनमें से पहला है पनीर, फिर बटर, फिर उसके बाद है नान। कोई अगर चाहे तो पंजाब बैंक करके भी याद कर सकते हो, लास्ट वाला नाम तो ऐसे भी नरेंद्र के नाम से है, और अभी आपको पता है भारत के सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र करके ये भी आप याद कर सकते हैं, और पंजाब बैंक जो आपको ठीक लगे, बट पनीर जो खाने पीने वाले लोग होंगे उनको इजी तरीके से ये ट्रिक कनेक्ट हो जाएगा, पनीर, बटर, नान। अब राजा का नाम देखते हैं, ये याद हो गया ना, तो अगर याद हो गया होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, एक बार फिर से लिखिए V3 BAS, एस से खत्म हो रहा है इसलिए सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क, V3 पहले यूज कर चुके हैं इसलिए अब V2 यूज करेंगे, V2 के बाद क्या यूज करेंगे, पनीर, बटर, नान, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक राजा आते हैं, जैसे V3 सबसे पहले राजा आएंगे जिसका नाम है व्याहगराज। ये व्याहगराज वही है जिसे क्या बोला जाता है, ठीक है, नल डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में पहचाने जाते हैं ना, जिसे क्या बोलते हैं, नल डायनेस्टी के संस्थापक के रूप में, ठीक है। अब उसके बाद जिसको किसने डिफीट किया था, समुद्रगुप्त ने, प्रयाग पद्धति आप जानते होंगे,
उसके बाद आएगा वृषध्वज, है ना, और उसके बाद वारहराज, मतलब वी थ्री का जो फॉर्मूला था उसमें एक वी से बनेगा, ठीक है, एक वी से व्याघ्रराज बन रहा है, एक वी से बन रहा है वृषध्वज, एक वी से बन रहा है वारहराज, ठीक है। वारहराज ही क्या है, इसके रियल फाउंडर है, जिन्होंने नल डायनेस्टी के एम्पायर को, ठीक है, एक्सपांसन किया, ठीक। उसके बाद आपको बताया था कि मैं बस याद करना, बी ए एस मतलब बस, तो बस से बनेगा भौदत्त वर्मा, ए से बनेगा अर्थपति और एस से बनेगा स्कंद वर्मा, ठीक। अब स्कंद वर्मन जो है एस से एंड हो रहा है, तो यहां पे भी जो राजा आएगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, एस से होगा, और एस से हम लोग याद किए थे सेंचुरी, और एस से फिर एक राजा का नाम आएगा जिसका नाम है स्तवराज, ठीक है, जो आपको पता होगा बालोद के कुलिया जो ग्राम है वहां के, ठीक है, सबूत मिले स्तवराज। उसके बाद एन से आएंगे नंदराज, है ना, हम लोग एन से ट्रिक में क्या देखे थे, नेशनल, पी से बना था पार्क, एन से बनेगा नंदराज, पी से बनेगा पृथ्वीराज, ठीक है। तो देखो इजी तरीके से हमने नौ राजा का नाम पहले याद कर लिए, जैसे वी थ्री, फिर बी ए एस, ठीक है, फिर उसके बाद एस एन पी मतलब सेंचुरी नेशनल पार्क। अब आगे बढ़ते दो राजा पर, ठीक है, तो वी थ्री का यूज हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इसको ट्रिक बना है वी टू। वी टू से दो राजाओं का नाम याद होता है, एक का नाम विरूपाक्ष, एक नाम विलासतुंग। ये विलासतुंग वही है जिन्होंने, ठीक है, राजीलोचन मंदिर बनाया था। आगे बात करते हैं पनीर बटर नान, है ना, तो पनीर से बनेगा पृथ्वी व्याघ्रराज। देखो अब पृथ्वी पी से दो राजा का नाम आ रहा है, एक का नाम है पृथ्वी राज है और एक राजा है पृथ्वी व्याघ्र, ठीक। उसके बाद तो आप देख सकते से आप, ठीक, इतने सारे राजा है लेकिन उसको बढ़िया तरीके से क्रम से जमा लिए, क्योंकि कहाँ आती है, राजा का तो नाम याद हो जाता है क्योंकि सबके कुछ ना कुछ, ठीक है, घटनाएं, भौदत्त के बारे में भी आपको थोड़ी सी बात पता है, अर्थपति, स्कंद वर्मन, लेकिन इसे क्रम से अगर आप जमाते हैं तो आपका जो मेंस अगर आप आंसर लिखते हैं तो वहां भी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर चांस रहेंगे, क्योंकि आप बढ़िया तरीके से पूरे राजा को ऑर्डर से लिख पा रहे हैं। सेकंड, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि किसने पहले रूल किया या ऑर्डर से जमाने के लिए, वहां भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ट्रिक क्या था हमारा, वी थ्री था, ठीक है, वी से वेन होता है वी थ्री, तीन राजाओं के नाम आएंगे जो वी से नाम आएंगे, फिर उसके बाद वेन के बाद बस, बस से बी ए एस, ठीक, फिर एस से एंड हो रहा है इसलिए सेंचुरी और नेशनल पार्क, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक, वी टू की बारे में चर्चा करेंगे, ठीक, वी से दो राजा आएंगे, एक विरूपाक्ष आएंगे और विलासतुंग आएंगे, फिर उसके बाद पनीर, फिर बटर, फिर नान, तो पी से एक राजा का नाम आएगा जिसका नाम है पृथ्वी व्याघ्र, फिर इसके बाद ठीक बी से आएगा, ठीक है, जिसका नाम भीमसेन है और लास्ट के जो राजा है उसका नाम है नरेंद्र, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक, अगर आपको चाहिए ढेर सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ तो होता है, उसके अलावा डायनेस्टी के जितने भी राजा है उसको क्रम से याद करना भी एक कठिन काम होता है, जिसे धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से सरल किया जाएगा। तो ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, स्टूडियो, जय हिंद, जय भारत।